Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss MPT based problems. देखो DC circuit के लिए maximum power transfer theorem हमने कल discuss किया था. आज उसके basis पर कुछ problems आज हम discuss करते. तो कुछ basic problems और कुछ gate के problems है जो आज हम discuss करेंगे. लेकिन सिर्फ DC circuit के लिए. AC circuit जब मैं आपको सिखाऊंगा तब MPT AC circuit के लिए क्या होता है, उसकी conditions, उसकी cases, तो वो सारा हम वहाँ discuss करेंगे. तो यहाँ सिर्फ DC circuit के लिए जो numericals है वो discuss करते. तो first numerical, maximum power transfer to the load RL in the circuit is. तो एक load resistor RL है, तो उसको maximum power कैसे, मतलब कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इस लोड रेजिस्टर आरएल को इस सर्किट में, ये आपको निकालना है. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला हमारे पास होता है फॉर डीसी सर्किट. डीसी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला रहता है वीटीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH. इसका मतलब आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आप फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको इजीली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस मिल जाएगी. तो लोड रेजिस्टर के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और लोड रेजिस्टर के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है VTH और RTH. तो आपको इस RL को ओपन करना पड़ेगा. तो इस RL को अगर मैंने ओपन किया तो यहाँ मुझे VTH और इस RL के अक्रॉस R इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम यहाँ वो ड्रॉ करते हैं. तो मैं अभी इस RL रेजिस्टर को ओपन कर देता हूँ. ठीक है, तो मैंने RL रेजिस्टर को अभी ओपन कर दिया. बाकी का सर्किट एज इट इज, सारे यहाँ इंडिपेंडेंट सोर्स आपको दिखाई दे रहे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस. ठीक है, तो ये RL मैंने अभी ओपन किया. तो मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, VTH कैलकुलेट करना है कि VTH वोल्टेज इस दो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस VTH वोल्टेज क्या होगा. तो मुझे अगर VTH कैलकुलेट करना है तो मेरे पास बहुत सारे वेज है. ठीक है, नोडल एनालिसिस, हम नोडल एनालिस से ये VTH कैलकुलेट कर सकते हैं नोडल एनालिसिस करके. ठीक है, और एक वे है कि अगर मैंने यहाँ KCL लगाया तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कितना करंट फ्लो होता है. मानो कि यहाँ 24 वोल्ट से करंट ऐसा आ रहा है, ये तो ओपन सर्किट है. तो यहाँ अगर करंट आए होगा तो यहाँ भी करंट वही आए फ्लो होगा. ठीक है, तो करंट आए यहाँ तक आया, यहाँ 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. तो यहाँ कितना फ्लो होगा, आई प्लस 6 एम्पियर. ठीक है, आई प्लस 6 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा. तो अभी मैंने इस लूप को अगर KVL अप्लाई किया तो मुझे करंट आई मिल जाएगा, और करंट आई अगर मुझे मिला तो करंट आए मिलने के बाद ये VTH भी मुझे मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आए करंट आए निकाल लेते. तो अप्लाई KVL टू दिस लूप, अप्लाई KVL -24 प्लस 6 प्लस 2 मीन्स 8i प्लस 8i प्लस, देखो पोलैरिटी ऐसी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो -24 प्लस 8i प्लस 4i प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो. तो -24 प्लस 8i प्लस 4i मीन्स 12i प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, ये 6 4 24 है. ठीक है, सॉरी, तो -24 प्लस 24 जीरो, तो 12i इज इक्वल्स टू जीरो. तो करंट i की वैल्यू 0/12 दैट इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर. तो देखो ये जो करंट है इसकी वैल्यू आपको मिल गई 0 एम्पियर. तो अगर 6 ओम रेजिस्टर से 0 एम्पियर करंट गुजर रहा है तो ये VTH वोल्टेज कितना रहेगा, जितना 24 वोल्ट है उतना ही वोल्टेज ये VTH रहेगा, क्योंकि ये 6 ओम के अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है वोल्टेज, क्योंकि करंट 0 एम्पियर है. तो I इंटू आर 0 × 6 0, तो 0 वोल्टेज का यहाँ ड्रॉप हो रहा है. तो यहाँ ये पूरा का पूरा 24 वोल्ट आ जाएगा. तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 24 वोल्ट. VTH कितना हो गया आपका, 24 वोल्ट. ठीक है, अभी VTH तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अभी RTH आपको फाइंड आउट करना है. तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ. ये 6 ओम का रेजिस्टर है, ये तो ओपन ही है, इसके अक्रॉस ही आपको R इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है, RTH. ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, और ये 6 एम्पियर तो यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है, ये ओपन है टर्मिनल्स. अभी आर इक्विवेलेंट मुझे अगर निकालना है यहाँ, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, ये 6 तो यहाँ है. ठीक है, तो ये 2 प्लस 4 मतलब कितना हुआ, 6. तो 6 ओम
तो देखो ये 6 ओम 4+2 6 सीरीज में, 4 और 2 सीरीज में, तो 6 और 6 पैरेलल टू ये 6, क्योंकि देखो यहाँ अगर 6 ओम आ जाएगा 4+2 का, यहाँ ऐसा अगर 6 ओम आ गया तो ये 6 और ये 6 दोनों बाद में पैरेलल में हो जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जिसे आप बोलेंगे आर टी एच, जो आपके पास आ गया 3 ओम। अभी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है इस लोड रेजिस्टर आर एल को, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पी मैक्स फॉर डी सी सर्किट इज वी टी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 RTH। तो वी टी एच तो आपने कैलकुलेट किया है 24 वोल्ट, बराबर है, वी टी एच इक्वल टू 24 वोल्ट आपने कैलकुलेट किया है, तो 24 × 24 डिवाइडेड बाई 4 × RTH, आर टी एच कितना है 3 ओम, तो 3 3 1 सा 3, 3 8 सा 24, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो 48 वैट। ठीक है, तो पी मैक्स कितना हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टर आर एल इज 48 वैट। तो 48 वैट पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा लोड रेजिस्टर आर एल को। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखो। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, ऐसे प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गेट के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो गेट में भी ऐसे प्रॉब्लम पूछे गए। अभी एक गेट का प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ, इलेक्ट्रिकल गेट 2017 को एक प्रॉब्लम पूछा गया था, वो आज हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड प्रॉब्लम है गेट 2017 का, ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल को ऑब्जेक्टिव टाइप गेट का, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द आर इज डैश डैश वैट। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टर आ रहे इस पे कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वैट में, आपको ये चाहिए। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला फॉर डीसी सर्किट क्या होता है, हमें पता है पी मैक्स इज इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो आपको वी टी एच और आर टी एच तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ये प्रॉब्लम में गेट को ये पूछा गया था। ठीक है, और ये डीसी सर्किट है, यहाँ से ही हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कोई एसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, इंडक्टर कैपेसिटर, ठीक है, एसी सर्किट है, तो बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीटीएच और आरटीएच फाइंड आउट करना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर आर। तो रेजिस्टर आर को सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूँ, वीटीएच मुझे निकालना है सबसे पहले, तो वीटीएच निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये R को मैं ओपन सर्किट कर देता हूँ, ये 5 वोल्ट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स 5 वोल्ट का यहाँ दिख रहा है, यहाँ 6 वोल्ट का ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, 6 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये 5 ओम का रेजिस्टर, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स, और इसके पैरेलल में ये 3 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये इसके अक्रॉस, ये जो ओपन टर्मिनल है इसके अक्रॉस मुझे वी टी एच फाइंड आउट करना है। तो वी टी एच अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हम यहाँ सुपर नोड लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ सुपर नोड की कंसेप्ट इस्तेमाल होगी, क्योंकि देखो ये एक नोड है और ये एक नोड है, दो नोड के बीच में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ रहा है, या तो फिर उसके पैरेलल में रेजिस्टर भी आ रहा है, मतलब रेजिस्टर हो या ना हो लेकिन दो नोड के बीच में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ सुपर नोड फॉर्म हो रहा है। तो सुपर नोड से हम यहाँ वीटीएच निकाल लेते, आप सुपर नोड से अगर नहीं निकालते तो यहाँ केसीएल डाल के भी आप ये निकाल सकते हैं वीटीएच। ठीक है, तो मैं सुपर नोड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो सुपर नोड से सॉल्व करना है तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, इस नोड का वोल्टेज रहेगा वीटीएच, यही वोल्टेज रहेगा। ठीक है, और इस नोड का वोल्टेज हम अज्यूम करते हैं कि V1 वोल्टेज, ठीक है V1 वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं वीटीएच निकालने के लिए। तो हमारा जो नोडल एनालिसिस की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले पहले वाले नोड का वोल्टेज लिखो वीटीएच 1/5, ठीक है, इसके रेजिस्टर का ये रेसिप्रोकल, फिर बाद में आपको अगर सुपर नोड है तो बाद में अलग जो अलग नोड का जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली ऐड करना है, तो V1 1/ ये रेजिस्टर 1/5 दैट इज इक्वल्स टू, ये तो छोड़ देना पड़ेगा सुपर नोड का पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू, अभी देखो ये प्लस पोलैरिटी इस नोड को कनेक्ट है, तो +5/5 मतलब 1, और यहाँ 2 एम्पियर इस नोड से गुजर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है इस नोड से, तो -2। ठीक है, तो ये आपका नोडल एनालिसिस आपका अप्लाई हो गया यहाँ, तो वी टी एच 1/5 प्लस V1 1/5 इज इक्वल्स टू 1-2। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि V1 ये जो वोल्टेज है
तो V1 इन टर्म्स ऑफ VTH अगर आप यहाँ लिख सकते हैं, तो VTH आपका डायरेक्टली बाहर निकल के आ जाएगा। तो V1 इन टर्म्स ऑफ VTH अगर मुझे निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप नोडल एनालिसिस तो लगाओ, मतलब सुपर नोड के लिए सबसे पहले नोडल एनालिसिस लगाओ और बाद में आप KVL लगाओ। और KVL कहाँ लगाओ, जो सुपर नोड जहाँ फॉर्म हो रहा है वही उस लूप को KVL लगाओ। तो मैं क्या करता हूँ, इस लूप को अभी KVL लगाता हूँ ऐसा। तो ये वोल्टेज क्या है, माइनस VTH, फिर माइनस 6, माइनस VTH, फिर ये माइनस 6, और यहाँ प्लस माइनस पोलैरिटी, तो प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 है, प्लस V1 इज इक्वल टू 0, तो V1 मेरे पास आ जाएगा VTH प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2। तो ये V1 में अभी यहाँ डालता हूँ इक्वेशन 1 में, तो VTH 1/5 प्लस V1 की जगह पर VTH प्लस 6 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 1 - 2 दैट इज -1। तो VTH 1/5 प्लस VTH 1/5 प्लस 6/5 इज इक्वल टू -1। तो ये 6/5 में इधर लेके जाता हूँ, तो -1 -6/5, ठीक है। अभी VTH इन ब्रैकेट 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 5 - 5, तो -5 - 6 मीन्स -11/5। तो VTH आपके पास आ जाएगा, ये VTH 1/5 प्लस 1/5, 5 + 5 10, 10/25, 10/25 दैट इज इक्वल्स टू माइनस। तो देखो VTH आपके पास आ जाएगा, VTH इज इक्वल्स टू -11/5 इंटू 10/25, मतलब यहाँ ये हो जाएगा 25/10। तो 5 से 25 -11 × 5 -55 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू -5.5 वोल्ट। तो VTH वोल्टेज आपके पास आ गया -5.5 वोल्ट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। अभी आपको RTH फाइंड आउट करना है, तो RTH फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ ये रब कर देता हूँ अभी कैलकुलेशन। तो देखो VTH आपके पास क्या आया था, VTH इज इक्वल्स टू -5.5 वोल्ट, ठीक है। अभी देखो RTH निकालना है, तो RTH निकालने के लिए भी ये जो रेजिस्टर है ये तो हमें ओपन करना पड़ेगा, वैसा ही आपका सर्किट आएगा ओपन करके। तो माइनस प्लस 6 वोल्ट, ये यहाँ 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम, ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 एम्पियर करंट सोर्स, ठीक है। ये R तो ओपन हो गया अभी ये रेजिस्टर, क्योंकि हमें यहाँ RTH निकालना है और यहाँ ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो देखो मुझे अगर RTH निकालना है, तो अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मेरे पास हो गए, तो सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट सर्किट करता हूँ। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसे भी हम शॉर्ट सर्किट कर देते, ठीक है। और ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो अभी देखो ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो RTH क्या आ जाएगा आपका, 5 ∥ 5, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 ओम आ जाएगा। और व्हाट अबाउट दिस 3 ओम, तो देखो ये 5 ∥ 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 ओम ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 2.5 ओम। तो देखो अभी यहाँ तो पूरा शॉर्ट सर्किट बन रहा है, तो करंट तो डायरेक्टली अगर जाएगा, देखो तो ऐसा ही जाएगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट पाथ बन रहा है, तो यहाँ से कोई करंट जाएगा 3 ओम में से, तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो RTH क्या रहेगा, RTH के अक्रॉस कितना आएगा, 2.5 ओम यही आएगा, ये 3 ओम वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा, इतना आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो 2.5 ओम आ गया आपका RTH, तो RTH आपके पास आ गया, VTH आपके पास आ गया, तो Pmax आपकी निकल जाएगी। तो Pmax इज इक्वल्स टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH। तो VTH स्क्वायर मतलब -5.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RTH, 4 × 2.5 ओम दैट इज इक्वल्स टू 3.025 वैट, ठीक है, 3.025 वैट ये आपका आंसर आता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दिस रेजिस्टर R, ठीक है। तो यही आपको निकालनी थी। तो आज हमने 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, MPT बेस्ड प्रॉब्लम्स। अभी अगले वाले एपिसोड में और 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप्स के, वो भी गेट प्रॉब्लम्स होंगे, और होमवर्क के लिए आपको एक प्रॉब्लम में ज़रूर दूंगा, तो होमवर्क के लिए भी अगले वाले एपिसोड में देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, थैंक यू वेरी मच।